दोस्तों जस्ट अभी न्यूज निकल के आ रही है कि पबजी बैन हो गया इंडिया पे। आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि पबजी बैन हो गया इंडिया पे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जस्ट उसको बैन कर दिया है। इसके अलावा 118 एप्स और हैं जिसमें पबजी मोबाइल लाइट भी आपका आ रहा है। बहुत सारे पॉपुलर एप्स हैं जो कि बैन हो चुके हैं। अब इसमें से देखिए, आप कई ऐसे इंडियन गेमर्स थे जो कि इसी गेम पे डिपेंडेंट थे, इसी गेम के बदौलत खेल रहे थे, इनकम कर रहे थे, हर एक चीज थी, तो वो टोटली बैन हो गया। इसका जो मेन रीजन था वही था जो हमारे चाइना और इंडिया का विवाद चल रहा था, और इसमें हम लोग को कंप्लेन किया गया था कि मतलब पबजी के कारण, पबजी जो है तो डेटा स्टोल कर रहा है, यानी कि डेटा चुरा रहा है, चाइना को दे रहा है, इस टाइप का कई मतलब रिपोर्ट वगैरह हुई है। और पबजी बैन हो चुका है दोस्तों। जस्ट मैं खुद यूज करता हूँ पबजी, मैं खुद प्लेयर हूँ पबजी का। मेरे पास दोस्तों पूरी लिस्ट है 118 एप्स की जो कि बैन हो चुकी है। तो दोस्तों उसमें से कुछ नाम मैं 10 तो गिना देता हूँ आपको कि मतलब कौन कौन से जो मेन ऐप्स हैं वो बैन हो गए हैं। सबसे पहले तो आता है टॉप में पबजी मोबाइल, सेकेंड आता है पबजी मोबाइल लाइट, जो कि दोनों एक पबजी का वर्जन था जो कि टेंसेंट गेम्स पे चलता था। अब उसके बाद आपने आपुस लॉन्चर प्रो सुना होगा, आपुस लॉन्चर प्रो से लॉन्चर जो है तो था, लाइव वॉलपेपर्स और आपुस के कई जो है तो आपुस टोटल चाइना का जो है तो ऐप्स था, उसने कई तरह के प्रोडक्ट्स निकाला था, इस तरह ऐप्स निकाला था, लेकिन उसके मतलब सब के सब बैन हो चुके हैं। बैडू एक्सप्रेस करके एडिशन करके एक है, फेस यू करके है, शेयर सेफ बाय शाओमी, कैम कार्ड बिजनेस, गवर्नमेंट वी चैट रेडिंग, चेस रस, एप लॉक लाइट, गैलरी वॉल्ट, म्यूजिक MP3 प्लेयर करके कोई एक ऐप होगा तो वो बैन हो गया, HD कैमरा, सेल्फी ब्यूटी क्लीनर, वेब ब्राउजर एक्सप्लोजर, वीडियो प्लेयर, फोटो गैलरी HD एंड एडिटर करके एक ऐप था वो बैन हो चुका है, वेब ब्राउजर सिक्योर एक्सप्लोरर बैन हो गया है। और दोस्तों इसी की तरह की बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि 118 ऐप्स की गिनतियों में आते हैं और वो बैन हो चुके हैं टोटली। दोस्तों जो दूसरा कारण था बैन होने का पबजी के, तो ये कारण था कि देखिए आप जब भी पबजी मोबाइल अगर आप खेलोगे लाइफ में, अगर आप उसको ओपन किए तो हमेशा आप देखोगे सबसे पहले टेंसेंट गेम्स करके आता है। वो जो टेंसेंट गेम्स रहता है वो पबजी एक अलग चीज़ है, टेंसेंट गेम्स एक अलग चीज़ है। टेंसेंट गेम्स जो चाइना का था, पबजी जरूर कोरिया का है लेकिन टेंसेंट गेम्स चाइना का था, तो उस कारण से उसको बैन करना पड़ा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो है तो इंडिया और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा है उस कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसी कारण से डिसीजन लिया गया। हम डिसीजन का सम्मान करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट का सम्मान करते हैं, हम इस डिसीजन से सहमत हैं और हम अपने देश के साथ हैं। जय हिंद।